हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको पढ़ने से पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स, इस चैप्टर का फर्स्ट ही टॉपिक था। क्या था अपने पास? मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री या 180 डिग्री तो एफ एम जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या होगा? 0, क्योंकि साइन क्या होता है? 0 होता है साइन, 180 भी क्या होता है? 0। तो उस पार्टिकल पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पे जो फोर्स लगता है वो 0 लगता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? ये थीटा जो है अपने पास क्या हो? 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपके पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये क्या अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, वो एंटर हुआ वेलोसिटी वी से। किस डायरेक्शन में हुआ? इसी डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है अपने पास, ये डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है? वी की। और ये किसकी डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड की। इस समय यहाँ जो एंगल है थीटा, किसके इक्वल है? 0 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल है? 0 डिग्री। तो क्या हो गया? क्या हो? वी बी साइन 0, और साइन 0 का मतलब क्या है? 0। तो एफ क्या है इस चार्ज पार्टिकल पे? फोर्स क्या लगा? 0, कोई फोर्स नहीं है। न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ। सर, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ था, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया यहाँ? 0। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है अपने पास, पाथ किस प्रकार का है? स्ट्रेट लाइन। किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन। यदि एंगल 0 डिग्री है तो उसमें जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का, वो क्या है अपने पास? स्ट्रेट लाइन। यदि चार्ज पार्टिकल
ये जो चार्ज पार्टिकल है अपने पास, इसकी डायरेक्शन ये है वी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपने पास इस डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गए अपोजिट में। ये तो क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के। तो दोनों में जो एंगल है कितना है 180। तो यहाँ जो एंगल है डियर स्टूडेंट वो कितना है 180। फिर से फोर्स कितना हो गया एफ इक्वल क्यू वी साइन 180। साइन 180 जीरो, तो एफ क्या हो गया जीरो। तो चार्ज पार्टिकल जो है किस में आ गया, एक स्ट्रेट लाइन में ये चलेगा, किस में चलेगा स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट केस क्या हो गया, यदि थीटा जीरो है या 180 है तो पाथ होगा डियर स्टूडेंट उसका स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। अब आता है केस नंबर सेकेंड, इसको नोट कर सकते हो आप। केस नंबर है सेकंड, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो गया 1, तो क्या आ गया क्यू वी बी साइन 90, और क्या हो गया क्यू वी और बी, ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्स। अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है और उसमें जो मोशन है, उस मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनसाइड ऐसे, और इनसाइड को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से डायरेक्शन को, ये कैसा है अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड के साइड है इनसाइड, चाहे आप ये तो क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चाहे आप चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करें तब भी एंगल 90 है, चाहे ऐसे करें तब भी एंगल 90 है, ऐसे करें तब भी एंगल 90 है। तो इस समय यहाँ जो चार्ज पार्टिकल की जो है डायरेक्शन वो इसके साथ कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अपने पास जो पार्टिकल है इस तरीके से है,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, चार्ज पार्टिकल की। एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है अपने पास, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये शो करता है, जो थंब है वो शो करता है वेलोसिटी को, और ये जो फिंगर है, फिंगर वो किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो ये पाम है ये शो करता है फोर्स की डायरेक्शन। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड। फिंगर क्या होगा, इनसाइड। और जो थंब है अपने पास, जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, तो पाम की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो फोर्स जो डायरेक्शन में लगा वो किस तरफ लगा है, ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया यहाँ। फिर क्या करेगा इसमें, फिर से रूल लगेगा, यही राइट हैंड पाम रूल। ये डायरेक्शन हो गई, फिर ये हो गया अपने पास, फिर डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरफ, तो आ गई है। और इस प्रकार से ये क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, एक सर्कल। ये डायरेक्शन हो गई वी, ये डायरेक्शन हो गई वी, और ये डायरेक्शन हो गई वी, और ये डायरेक्शन हो गई वी। इस प्रकार से जब भी एंगल 90 होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका जो पाथ है, पाथ कैसा आएगा, सर्कल। कैसा आएगा, सर्कल आएगा। इसमें जो फोर्स आ गया क्या है, क्या वी बी। एक कैसा पाथ है इसमें, सर्कुलर पाथ है। पाथ कैसा है, सर्कुलर। कैसा पाथ है, सर्कुलर, या क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर। जब भी सर्कुलर पाथ होता है तो उसमें जो फोर्स आता है, कौन सा फोर्स, फोर्स आता है डियर स्टूडेंट, सेंट्री पेटल फोर्स। कैसा फोर्स है अपने पास, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एफ सी इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास, फर्स्ट। दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करो आप, ये तो क्या हो गया अपने पास, क्यू वी बी इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी से वी कैंसिल, तो आर क्या आ गया अपने पास, एम वी अपॉन में क्यू वी। आर, आर क्या है, ये रेडियस। आर क्या है, ये इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। रेडियस किस पे डिपेंड है, एक तो डायरेक्टली एम पे, एक इन्वर्सली चार्ज पे, और डायरेक्टली वी पे। जितना ज़्यादा वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे चार्ज पार्टिकल को, उसका जो पाथ है उतना ही लार्ज बनता है। उसका जो पाथ है वो क्या बनेगा, उतना ही लार्ज बनेगा। जितना हल्का पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है, कम है। थ्रो किया तो उसमें जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, लार्ज बनता है। यदि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू ज़्यादा है
तो उसमें जो सर्कल बनता है वो क्या बनता है, ऐसे स्मॉल, कैसा बनता है, स्मॉल हो गया। अब आता है टाइम पीरियड, क्या आता है, टाइम पीरियड। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, ये सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई आर, और अपॉन में स्पीड कितनी है, वी। आर की वैल्यू किससे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो गया, अपने पास टी इक्वल 2 पाई आर हो गया एम वी अपॉन में क्यू बी और इंटू में वी, वी से वी कैंसिल। तो टाइम पीरियड आ गया अपने पास 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। जो टाइम पीरियड है, एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे 50 मीटर पर सेकेंड हो, चाहे 5 मीटर पर सेकेंड हो, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेम मास के लिए, सेम चार्ज के लिए। क्या होगा, उसका जो टाइम पीरियड होगा सेम। यदि वही पार्टिकल चाहे आप 50 से थ्रो करो, चाहे 100 से थ्रो करो, चाहे 200 से थ्रो करो, तो उसका जो टाइम पीरियड है क्या होता है, सेम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, सेम। यहाँ से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास। वेलोसिटी क्या आती है, वी इक्वल क्यू बी आर अपॉन में एम। टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड से क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपने पास, 1/T। ये क्या है अपने पास, सिंपल फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास 2 पाई μ, और म्यू होता है 1/T। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उसका जो पाथ है सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक आपका जो था, ये पार्टिकल है, केस नंबर आता है थर्ड। क्या आता है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर जो थर्ड है अपने पास, आपकी बार ना तो थीटा 90 है, ना 180 है, ना ही
0 डिग्री। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है अपने पास, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। यहाँ देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी एक्स एक्सिस में, ये है अपने पास वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई जेड एक्सिस। आपकी बार क्या है, जो चार्ज पार्टिकल का जो एंगल है वो कितना है, वेल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। इसका x कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है x कंपोनेंट में वो हुई वी एक्स इक्वल वी कोस थीटा, और इस तरफ हो गई डियर स्टूडेंट वी वाई इक्वल वी साइन थीटा। वी वाई जो कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो थीटा है वो है 90 डिग्री। y के कारण जो इसमें पाथ होता है वो किस प्रकार से होगा, सर्कुलर, इस प्रकार से क्या होगा, पाथ होगा y डायरेक्शन में। लेकिन x डायरेक्शन में क्या है, vx और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो है 0 डिग्री। इसमें तो होता है सर्कल, इसमें क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस तो क्या है, उसको सीधा रखती है मोशन में, लेकिन वाई एक्सिस क्या रखता है, उसको सर्कुलर में। एक्स एक्सिस सीधा लेके चलेगी और वाई एक्सिस क्या है, सर्कुलर। तो उसका जो पाथ है डियर स्टूडेंट, इसमें जो पाथ है यदि एंगल थीटा होता है तो उसमें जो पाथ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। पाथ कैसा होता है, हेलिक्स टाइप में। किस टाइप का होता है, हेलिक्स, जब एंगल क्या हो, थीटा हो। वाई कंपोनेंट क्या होता है, वी साइन थीटा, वी वाई हो गया वी साइन थीटा, और वी एक्स हो गया वी कोस थीटा, और एफ क्या होता है अपने पास, एफ वाई क्या आ गया, क्या हूं वी वाई इंटू वी साइन थीटा। वाई के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो क्या आ गया, क्या वी वाई वी साइन 91, तो क्या आ गया अपने पास, वी वाई की वैल्यू क्या है, क्या वी वी साइन थीटा वापिस से। और एक्स में क्या हो गया अपने पास, क्या वी एक्स इंटू में बी इंटू साइन 0, क्या होता है 0 डिग्री से, तो साइन 0 0, तो एफ एक्स क्या हो गया अपने पास 0। सेम प्रोसीजर है, ओनली जो इसमें आएगा अपने पास रेडियस वो किसके कारण आता है, वाई एक्सिस के कारण। रेडियस निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। थैंक यू।